ये 4 दिन जिसने उस महिला से उसका सब कुछ छीन लिया। 8 महीने का गर्भ था उसे, जिसे इंतजार था उसके आंगन में किलकारी गूंजेंगी, लेकिन कोख में उसके होने वाले बच्चे की मौत हो गई। वो महिला जो 80% तक जली है, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। आखिर किसने दिया उसे जख्म? ये संगीन इल्जाम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप, राजीनामा की खौफनाक सजा, दर्द में कराहते 4 दिन, जिंदगी और मौत के बीच जंग, किलकारी का कत्ल। उसके घर में खुशियां दस्तक देने वाली थी, वो महिला माँ बनने वाली थी, 8 महीने की गर्भवती, लेकिन बच्चे की किलकारी आंगन में गूंजी नहीं, ना ही उस माँ की गोद भरी, बल्कि उसके होने वाले बच्चे की मौत हो गई। गर्भ में ही होने वाली किलकारी खामोश हो गई और वो महिला जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अब महिला कैसे जली? तो पीड़ित महिला ने जो बयान दिया उसके मुताबिक उसे जलाया गया और जलाने वाले 3 लोगों पर आरोप की उसके साथ गैंगरेप किया, दरिंदगी के बाद उसे जिंदा जलाया गया। महिला का बर्न बहुत बड़ा परसेंटेज तक था, जो खबर आ रही है उसके हिसाब से जो 70-80% करीब उसका बर्न है, और ऐसे बर्न की स्थिति में निश्चित ही वो प्रेग्नेंट थी, तो ये पता चला है कि जो बच्चा गर्भ में था उसकी मृत्यु हो गई है। मुरैना के अंबा से ये दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई थी। गंभीर हालत में महिला को ग्वालियर रेफर किया गया। इस परिवार पर गम का एक और पहाड़ टूटा। गर्भवती महिला की शिशु की गर्भ में ही मौत हो गई। किसी भी स्थिति में, क्योंकि ये गर्भ में किसी के कारण अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए आईपीसी में अलग दंड का प्रावधान है, उन धाराओं का इजाफा अपराध में किया जाएगा, अपराध उसमें ऑलरेडी पंजीबद्ध हो चुका है। आखिर इस खौफनाक सजा के पीछे की दास्ता क्या है? दरअसल पीड़ित महिला के पति पर रेप का केस दर्ज है, जो जमानत पर छूट कर जेल से बाहर आया। पीड़ित महिला पति पर लगे रेप के इल्जाम में राजीनामा के लिए गई थी, जहां पीड़ित महिला का इल्जाम की उसे ऐसी खौफनाक सजा दी गई। उसमें भी 3 लोगों के खिलाफ, 5 लोगों के खिलाफ उसने अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में दूसरा पक्ष भी आरोप लगा रहा है, जिसकी भी जांच जारी है। जहां तक आरोपियों की अरेस्टिंग है, तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो भी तमाम उसमें शिकवा शिकायत और आवेदन कर रहे हैं, तो उस पक्ष को भी सुना जा रहा है और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच जारी है। दर्द में कराहते ये 4 दिन 80% झुलसी महिला जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। मुरैना में अमित शर्मा और ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अगला वो गैंग है जो कंबल की आड़ में तस्करी का खेल खेल रहा था। ये तस्करी लाइव दिखाएंगे, कार में तस्करों के खुफिया चैम्बर भी होंगे, कार की छत और सीट कैसे उगल रही है, नशे के सौदागरों का राज आप भी देखिए। 2 राज्य और ऑपरेशन तस्कर। नशे में झूमता कंबल, कंबल में दफन सौदागर का राज, कहीं कार में खुफिया चैंबर, दो राज्य, नशे के सौदागर बेनकाब, ऑपरेशन तस्कर। ये कंबल ही राजदार है इन नशे के सौदागरों का, जिस कंबल में इनके कारनामे कैद है, पुलिस को चकमा देने के लिए भी मुफीद। तो ये कंबल जैसे ही खुला, नशे की खेप भी बाहर आ गई। 80 किलो गांजा छुपाकर ले जा रहे थे तस्कर, लेकिन पुलिस के हाथ लग गए।
देवास के खातेगांव थाना पुलिस ने इस गैंग को पकड़ा। ये गिरोह कंबल बेचने का काम करता है और इस कंबल के अंदर ही गांजे की तस्करी करके मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था। विश्वसनीय सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से हमें कि तीन मोटरसाइकिलों में हरदा तरफ से तीन युवक हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल के पीछे कंबल रख रखे हैं और उन कंबलों के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा होने की संभावना है। तो चूंकि मुखबिर की सूचना विश्वसनीय थी इसलिए हमने हमारी एक टीम को सक्रिय किया और खातेगांव में पंचमुखी हनुमान मंदिर कन्नौद रोड जो है वहाँ पर हमारी पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर इन तीनों मोटरसाइकिल जो मुखबिर द्वारा बताई गई थी जब आते हुए दिखी इनको रोका गया। 80 किलो गांजा जब्त किया गया है। तीन युवक राजेश पिता प्रेम सिंह बंजारा ये पीपलिया व्यास ग्राम का रहने वाला है जिला नीमच का। अनिल पिता जगदीश बंजारा ये जूना माला हेड़ा थाना मनासा जिला नीमच का रहने वाला है और कमल पिता बाबूलाल बंजारा ये भी जूना माला हेड़ा थाना मनासा जिला नीमच का रहने वाला है। ये तीन व्यक्ति जो थे इनके पास तीनों मोटरसाइकिलों पीछे जो कम्बल रखे थे उसमें स्कीम करके डबल बेड के जो कम्बल होते हैं उसकी एक तरफ से सिलाई इनके द्वारा ब्रेक की गई और उसके अंदर जो पैकेट्स होते हैं गांजे के वो पैकेट्स हमें अलग-अलग मिले। एमपी के देवास के बाद छत्तीसगढ़ के महासमुंद की तस्वीर। यहाँ NH-53 और NH-353 पर तस्करों के गुनाह का रूप। अक्सर यहीं से गांजा और गोल्ड की तस्करी की जाती है। सिंघोड़ा में 1 क्विंटल गांजा जब्त हुआ। यहाँ कार की सीट में छुपाकर गांजे की तस्करी हो रही थी। महासमुंद पुलिस के द्वारा लगातार जो है अवैध नशीली सामग्री गांजा के विरुद्ध अभियान चलाया जाता रहा है। इस अभियान कार्रवाई के तारतम्य में दो बड़ी कार्रवाइयां हमारे द्वारा की गई हैं, जिसमें एक कार्रवाई सिंघोड़ा थाना में की गई है जिसमें एक जिप्सी वाहन में हरियाणा रोहतक का जो आरोपी है वह आरोपी 50 किलो गांजा लेकर जा रहा था जिसे कि नाकाबंदी की कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया है और इसके विरुद्ध NDPS एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। उससे 50 किलो का जो है गांजा बरामद हुआ है। तुकोमा खान में 32 किलो गांजे की खेप बोलेरो की छत में छुपाई गई थी। इससे पहले महासमुंद पुलिस ने दो अलग अलग मामले में 2 क्विंटल 14 किलो गांजा सहित 3 अंतरराष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया। कैसे हो रही थी ये तस्करी और कौन है ये आरोपी सुनिए जरा। दूसरी कार्रवाई थाना कोतवाली क्षेत्र में की गई है जहां पर मारुति स्विफ्ट डिजायर में 2 व्यक्ति जो की अमरावती के थे इनके पास से लगभग 164 किलो 900 ग्राम जो गांजा है वो बरामद हुआ है। लगभग कुल 214 किलो 900 ग्राम की गांजे की बरामदगी हुई है 2 प्रकरणों में जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लगभग 1.7 करोड़ और इनमें दोनों कार जब्त हुई है लगभग 1.13 करोड़ के आसपास की जो इसमें कुल जब्ती हुई है। इन खुफिया चैंबर और ठिकानों से ये गांजा तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इन तस्करों का राज फाश हो गया। देवास में वरुण राठौर, महासमुंद में सोमनाथ टोडेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट News18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और गुना के एक मैरिज गार्डन में मधुमक्खियों ने तांडव मचा दिया। मधुमक्खियों के काटने के चलते 20 से 25 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इनमें से 4 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है जिनका ICU में इलाज चल रहा है। करीब 1 घंटे तक मधुमक्खियों ने ऐसा तांडव मचाया कि चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। कैसे शादी समारोह में मधुमक्खियों ने तबाही मचाई इस रिपोर्ट में आपको दिखाते। मध्य प्रदेश के गुना के एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह चल रहा था। शादी से जुड़ी रस्में निभाई जा रही थी। वर वधु दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग मौजूद थे। कोई DJ पर डांस कर रहा था तो कोई जायके का स्वाद ले रहा था। लेकिन इसी बीच मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। अचानक समारोह में भगदड़ मच गई। लोग चीखने चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई। मधुमक्खियों ने ऐसा तांडव मचाया कि 24 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा जिसमें से 4 लोगों को बेहद गंभीर स्थिति में ICU में भर्ती करना पड़ा। मधुमक्खी के हमले की जो तस्वीरें इस शादी समारोह से आई वो बेहद हैरान करने वाली है क्योंकि जिस समारोह में कुछ देर पहले रंग जमा हुआ था वो वीरान हो गया था। कुर्सियां खाली, स्टेज खाली, वर वधु बाराती घराती सभी अपनी जान बचाने के लिए गार्डन छोड़कर भागते दिख रहे थे। देखिए कैसे समारोह में भगदड़ मची हुई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कोई गार्डन में ही लेट गया तो कोई अपना चेहरा ढककर इन हमलावर मधुमक्खियों से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मधुमक्खियाँ इतनी हमलावर हैं कि आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। देखिए जो शख्स गार्डन में जमीन पर लेटा है उस पर किस तरह मधुमक्खियाँ टूट पड़ी हैं।
आदमी जमीन के बल लेटे हुआ है और दोनों हाथों से सिर को ढककर बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मधुमक्खियां उस पर पूरी तरह से हमलावर दिख रही है। दूसरी तरफ एक लड़का दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढककर बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मधुमक्खियों की डंक से खुद को बचा नहीं पा रहा। वहीं पर एक लड़का मोबाइल से इस पूरे घटना का वीडियो बना रहा है, हालांकि वो भी मधुमक्खियों के बीच घिरा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह मधुमक्खियों ने पूरे समारोह को अपने चपेट में ले रखा है। इसी बीच जमीन पर लेटे शख्स को बचाने के लिए एक लड़का आता है। खुद के चेहरे को हाथ से ढककर ये लड़का उस शख्स के चेहरे पर छोटी सी छतरी डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मधुमक्खियों का हमला इतना तेज है कि वो कुछ नहीं कर पाता और इस तरह करीब एक घंटे तक समारोह में मधुमक्खियां तांडव मचाती है, जिसमें बुरी तरह घायल 24 लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये घटना कस्तूरी गार्डन की है, जहां अग्रवाल परिवार की बेटी की शादी की तैयारी हो रही थी। रविवार को ही शादी होनी थी। मेहमान, रिश्तेदार, सभी लोग एक दिन पहले से यहां ठहरे हुए थे। इसी जगह ठहरने, खाने पीने से लेकर सारे इंतजाम किए गए थे। पहले सुबह के समय मधुमक्खियों ने हमला किया तो लोगों ने इधर उधर भागकर खुद का बचाव कर लिया था, लेकिन मधुमक्खियों ने दोपहर और शाम को भी हमला कर दिया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस घटना में होटल संचालक की लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि जिस कस्तूरी होटल और गार्डन को बुक किया गया था, वहां होटल की खिड़कियों के बाहर छोटे से बड़े 20 से ज्यादा मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं, जिससे खतरा बना हुआ था। लेकिन होटल संचालक ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन शादी समारोह में मधुमक्खियों के तांडव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इधर जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत के मौसम पर पश्चिमी हिमालय में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिखाई दे रहा है। इसी के चलते कई राज्यों में बारिश तो कहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई, इसी के चलते ठंड भी बढ़ गई है। मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सोनमर्ग की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। पहाड़ी इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। आपको ये बताएं कि बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग में इस वक्त काफी पर्यटक हैं जो स्कीइंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं और सब लोग अपने अपने घर की ओर दौड़ रहे हैं। पांच तस्वीरें आपकी चीजें स्क्रीन पर, रोहतांग, लाहौल स्पीति, गुलमर्ग की, अलग अलग जगहों पर पर्यटक रोमांचित आपको नजर आएंगे, लेकिन ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही हैं। चूंकि आप देख रहे हैं भारी बर्फबारी के चलते पर्यटकों को आवागमन में तो दिक्कत होती है, स्थानीय रहवासी ठंड के चलते परेशान। और अगर आप ये देखें कि इसका असर क्या होगा, तो उत्तर भारत के तमाम इलाके जहां पर कहीं ना कहीं ठंड से राहत मिली है, वहां अब एक बार फिर से ठंड बढ़ने के पूरे पूरे आसार। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।